मुझसे कि चंदन सिंह तो मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात तनिक भी नहीं मानी और आज मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। क्यों? अरे चंदन सिंह, ये डाकू का धंधा कोई अच्छा नहीं है। अच्छा, तो कहता हूँ ये अपने आप को सरेंडर कर दे पुलिस। बोल, मैंने ठाकुर विजय सिंह के हवेली में डाका डाला था। मैं पुलिस से कहकर तेरी सजा, मैंने जेवरात लूटे थे। क्यों? तुम लोगों ने कमाल सिंह, और बोल मक्कार कमाल सिंह, और बोल मक्कार, अब क्या राजा है तेरी। राजा है तेरी, और मार दो या कि भेजो आदम के तले, और बोल मक्कार, अब क्या राजा में हद से।
हेलो या गए हमारे राजेंद्र भाई, या गए हमारे राजेंद्र भाई, ये सचौली निवासी उनकी तरफ से 11 रुपया रखा थे, इनकी कपड़ा उतार के मारे उनका। अरे चंदन, इधर देख तेरे, तू क्या किस हाल में है तू? लोहे के साले साले से साले सर, सर लोहे की जाल में साले साले शोभा। मुझे पहचान में कौन हूँ? शोभा। हाँ, अरे तुम डाकुओं के चक्कर में क्यों पड़ गई? अच्छा, मैं नहीं मालूम, डाकू का धंधा बहुत खराब होता है। अच्छा, अगर पुलिस को पता चल गया तो पुलिस देखते ही गोली मार देगी। अरे ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कहने का मतलब ये है, इनका पीछा छोड़ो, चलो हम दोनों लोग शादी कर लेंगे। दोनों लोग शादी करके यहाँ से बहुत दूर लंदन में हनीमून मनाने चलेंगे। हेलो हेलो, याद है हमारे सुनील भाई, याद है हमारे सुनील भाई, बीबी आठ से उनकी तरफ से 11 रुपया रखा था। शोभा भाई, शोभा अपना बदला चुका लो, ये आपको बहुत तंग किए हैं, इनते मारते मारते ऐसे मारो कि छुल्लू का हक मारे। क्यों कमाल सिंह, हनीमून मनाएगा? कहाँ चलना है? चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। अरे चंदन सिंह, हनीमून मना चाहते हैं? मुझे माफ कर दे, तुझे माफ कर दे। अरे शोभा, अरे देखती हो वो एक चूहा छुपा बैठा उधर, ये साला गीदड़ कैसे बैठा हुआ है? अरे मुझे पहचान में कौन है? मेरी जान शोभा, कमीने दूर से बात कर, ये बोल किस हाल में है? सर लोहे की जाल में। इसका मतलब लस्सी जल गई ऐठन नहीं गई। नहीं मारा था। देख अब तुझे करना क्या है, तुझको ठाकुर विजय सिंह को गिन करके 50 अंतर मारना है। 50 का याद में गिनती न लगाई, गिनती याद रखना, 50 अंतर सिर्फ मारना है तुझे। मसामन के बताओ रहे कि मौका मिला तो मैं आंधी का ही दे। अरे आज मौका मिल गया, अपना मौका निकालिए। मार दिया जाए ठाकुर माइकल, 50 कोड़े लगाइए, लगाइए। क्या करने जा रहा है? अब तुम्हारे ऊपर झूठे बहुत मुँह हो ना। अरे मार दिया जाए, सोच लेना, इतने टाइम सोच का मौका न दे आप जाओ, क्योंकि समय को पलटते हुए टाइम नहीं लगता है। हम मौका न दे पलटे वाला। अच्छा, हम पहुंच जाओ अपने गुरु का ही, तुम वहां से पकड़ के घुइया ना। अबे साले तेरा गुरु भी नहीं बचा पाएगा, याद रखना। रुक जाओ सा, कितना मार दिया?
मैंने कहा था तुझे 50 अंडर मारने के लिए, खाली 20 भे। अच्छा अबे 20 भे, अबे कम से कम 30 बाकी। याद रखना बेटा, बेटा नहीं कहना, अभी समय पलटने वक्त नहीं लगेगा, समय को इंतजार मत कर, चल कोई बात। अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कौन तेरे साथ का सलूक किया जाए। रुक जाओ, इंता ना है। कैसे है? ना मार दिया जाए ना छोड़ दिया जाए, सब जने के मुंह में हम कोई मुंह चले। ये बताइए आप किसने कितने गोरे मारा? तुम भी तो इसी जगह खड़ी थी, तुम नहीं गिरे? मैं गिन रहा था। कितने मारा? मैंने इसे 50 अंडर के लिए कहा था और इसने 60 अंडर क्यों मारा? तेरी ना सोच है, बदतमीज कहीं तो लोग अरमाना गिनती के 50 मारा। ठाकुर साहब मैं बताऊंगा तू कितना मारा है, आप ही बताइए। 70 कोड़ा मारा है, 50 गिना है। चूतिया बनाने की कोशिश मत कर, अपने 20 अंडर इससे वापस कर लीजिए। ये लीजिए हंटर, अपने 20 अंडर इससे वापस कर लीजिए। 10 बेटा तुम मर, और कौन मारेगा? हमारा 20 मारी। हाँ 20 मारूंगा, मार पायो मारूंगा। क्यों परेशान हो रहा है? क्यों नहीं, अबे 9 तारीख से लाइके 28 तारीख तक गिने रहे। हाँ तू मुझको मत गिना, हाँ मुझको मत गिना, मारिए। एक नहीं, मैंने तुझे मना नहीं किया, तूने 3 हंटर उठाया है। एक से मारा, मेरी जितने से मर्जी होगी उतने से मारूंगा। ठाकुर बोल, सिर्फ एक से मार। 3 से मारूंगा, एक से, 3 से मारूंगा, एक से। अरे मारने दो, कुछ नहीं बोला। ठाकुर साहब एक से ही मारिए, ठाकुर साहब एक से ही मारिए, ठाकुर साहब एक से ही मारिए, खाली एक से। चलिए एक से ही मारिए, बस बोला ना एक से। हाँ खड़ा होता ठीक है, मारिए। थक जाएंगे लेकिन उसको कुछ नहीं होने वाला है। रात भर साले, ये शेर आदमी है, शेर क्या करेगा, क्या करेगा। ऐसे करिए लिखवा लो, अब तुम लोगों का काम खत्म हुआ, हमें जो करना है हमें अपना काम करने दो। तारीख 19/28, ठाकुर विजय सिंह बोल, तुमने
नटवर के बाप को मारकर चोरी से उसकी हवेली अपने कब्जे में किया था ना, अब इसमें तुम्हें लिखना होगा, मैं ठाकुर विजय सिंह अपनी हवेली धन दौलत सब नटवर के नाम करता हूं। कोई बात नहीं, ये लो लाइए। अरे दोस्त मन, अगर उसके नाम ये हवेली कर दोगे तो क्या होगा? अरे रोड पे कटोरा लेकर भीख मांगने तू नहीं जानता है। हमारे राज के तूने हवेली को कब्जा कर लिया, आज हवेली मेरे नाम कर। कोई बात नहीं, जमींदार बना हुआ है, मैं अपनी सारी जायदाद नटवर के नाम कर रहा हूँ। अरे दोस्त, मैं तो कहता हूँ तुम अपने नाम न करके मेरे नाम कर दो। अबे साले, नटवर, मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम करता हूँ। ठीक है, आज के बाद इस रियासत में मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसका मालिक, इसका मालिक ठाकुर नटवर होगा। ठीक है, साइन करके अपने लीजिए। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तू मुझे नहीं मार सकता नटवर। विजय सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, नंबर एक शैतान। नटवर, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। फिर पुलिस आ गई है, मेरा भैया हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तुम भागने की कोशिश यहाँ करना। नंबर एक, कहाँ चले गए थे इंस्पेक्टर साहब? वाकई में एक कहावत गलत नहीं है कि जब जब तक चोर भाग नहीं जाते तब तक पुलिस आती नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम चाय पीने चले गए और जहाँ चंदन आ गया। अरे तुम इंस्पेक्टर साहब चाय पीने क्या गए? वो जो मरने वाली नानी बना कर रखे थे, अच्छा यहाँ वो लोग थे, वो चंदन का ही गिरोह पूरा था। ठीक है, आप चिंता नहीं करिए, मैं इसी वक्त चंदन का पीछा करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, जल्दी जाओ, बचना चल जाओ। नटवर, नटवर सिंह, देखो मैंने वादा किया था, मैंने तुम्हारी हाँ। हवेली ठाकुरों से लिखवा लिया है। हाँ, अब तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? तुम्हारी हवेली भी तुम्हें मिल गई है, तुम्हारी ड्यूटी भी पूर्ण हो गई है। हाँ, ये बात अब सही तुम है। जाओ, अब तुम जाओ इस बात की खबर नंदन को बताओ जाकर के। मैं शोभा को लेकर अपनी माँ के पास मिलने के लिए जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुम इस बात को नंदन से बताओगे जाकर? अगर नटवर से मैं बताऊंगा साहब से कि तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं मेरी हवेली भी मिल गई और मेरी ड्यूटी भी मिल गई, जा रहा हूँ अब नंद से बताता हूँ। जा बताऊँ, ये संदर्भ मालूम है किस तरह है, मुझे चलना चाहिए, इसका पीछा करना चाहिए। मालूम नहीं कहा है, सुखला भी बर गया, मैं तनहा बचा हूं, लेकिन मैं अगर अपना फर्ज नहीं पूरा करता तो लोग यही कहेंगे पुलिस पुलिस ऐसे होती है, ये मेरी वर्दी की लाश कैसे बचेगी? मुझे चलना चाहिए और चल करके उसका पीछा करना चाहिए। साहब, आज खुशखबरी यह है। क्या है? मैं तो
चंदन की तलाश में था, उसका पीछा कर रहा था, इसलिए पीछा करते करते उसका पकड़ने के लिए सही तरीका मिल गया है। क्या मिला है तरीका? इस समय वो अपने माँ से मिलकर के आ रहा है, मिलने जा रहा है, और तुम उसको सबको गिरफ्तार कर ले करके। चलो उसका पीछा करते, चलो गिरफ्तार करना उसे। चलो मेरी माँ ने कहा था ना कि चंदन तू पैसे नहीं कमा करके देता है, आज मैं अपनी माँ को इतना धन दूंगा जा करके कि मेरी माँ इन पैसों को देखकर बहुत खुश होगी। शोभा आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर के चलूंगा। अच्छा। चल करके तुम्हें अपनी माँ से मिलाऊंगा। चलिए आओ चलते हैं। देखो नेटवर माँ तुमने कहा था ना कि चंदन तो पैसे नहीं कमाता है, मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर है, नंदन पैसे कमा करके देता है, लेकिन ले तुझे तुझे जितने पैसों की जरूरत है। ये मैं क्या देख रही हूँ तेरे हाथ में बंदूक बेटा, ये हाथ में बंदूक देख रही है। तेरी कमाई तो मुझे मिल गई, लेकिन ऐसी कमाई मुझे नहीं चाहिए बेटा, डाकू का काम बेटा अच्छा नहीं है। तेरे बड़े तेरा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, उस बड़े भाई ने ही मुझे इस बंदूक को उठाने पे मजबूर कर दिया है माँ, एक ठाकुर के कहने पे आकर मुझे झूठे इल्जाम में जेल के सलाखों के पीछे कैद कर दिया था। आज बेटा कसम खाओ कि आज के बाद मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ माँ, आज के बाद मैं कभी बंदूक नहीं उठाऊंगा। ये लो चल। और माँ इंस्पेक्टर ये जो बोलता हूँ ये इस तरीके बहुत परेशान कर लिया है और नहीं फिर भग जाएगा। ये जो लड़की देख रही हो ये आपकी बहू है, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे इंस्पेक्टर नंदन पड़ा हुआ नहीं है। बेटा चल तू महल के नहीं अंदर, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नंबर एक, नंबर दो, नंबर ये क्या किया नंदन? बस खबरदार और चंदन के रुख तेरे पास खबरदार, ये चंदन के रुख से तूने हमको निकम्मा परेशान किया, बनता है अपने को तुझे कर दिया फर्जी अपना नंदन। तूने अच्छा नहीं किया, मैं निहत्था था, निहत्थे पर गोली तूने चलाया है, तूने अच्छा नहीं किया, निहत्थे पर गोली चलाना कर्म का काम होता है नंदन। शर्म नहीं आई उसे गोली चलाते हुए, निकल जा यहाँ से, अपना ही खून तू परस्त करने आया है। माँ तुम्हें मालूम है ये कैदी है, मुजरिम है, और मैं भी इंस्पेक्टर हूँ, मैं कोई मुजरिम कानून का रखवाला हूँ, और अगर मैं अपना फर्ज नहीं पूरा करता माँ तो मैं मजबूर हूँ माँ, इसलिए मुझे इसका माँ मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है माँ। अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो उस ठाकुर विजय सिंह कबाल सिंह तुम्हारे नाम FIR दर्ज क्यों करता? वो सब झूठी FIR थी भैया, मैं सब कुछ बताऊंगा, वो सब झूठी FIR थी, सब मुझे झूठा फंसाया गया है, और ये जो ठाकुर विजय सिंह कमाल सिंह हैं, इन्होंने प्रतापगढ़ में बहुत बड़ा अपना कोहराम मचा रखा है, और मैंने भी कसम खाया था कि जब तक इन ठाकुरों का इस दुनिया से खात्मा नहीं कर दूंगा तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी भैया। अच्छा ये हाँ बात है, अगर ऐसी बात है भैया तो चल मैं इसी वक्त उसके ठाकुरों ने, इन ठाकुरों ने गरीबों को बहुत सताया है, गरीबों को बेचारे असहायों को बहुत मारा है भैया, और ये जो नटवर है
इस नटवर की हवेली भी इसके बाप को मारकर ठाकुरों ने ही अपने नाम कर रखा था। इसकी हवेली मैंने ही दिलवाई है भैया। अच्छा हाँ भैया, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ उन हरामजादों का नामो निशान मिटा दो। ठीक है भैया। और मैं तुझे बंदूक देता हूँ अपने हाथों से और मैं कानून का रखवाला हूँ, मैं अपना पूरा फर्ज करूँ। ठीक है भैया, मैं इसी वक्त ठाकुर विजय सिंह और कमाल सिंह का पीछा करता हूँ। चलो ठीक है भैया, आओ चलते हैं सब लोग। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था, अरे ये इंस्पेक्टर डाकू चंदन सिंह का भाई है, ये हमारे साथ धोखा हुआ है। सही कहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर हमारी तरफ भी मिला है और अपने भाई की तरफ भी मिला हुआ है। मुझे भी ऐसा लगता है। देखिए ये आ गए श्रीमान, हमारे राजाराम के लड़का, उनकी ओर से खेल में खुश होकर लेकिन दोस्त मन बोल, अब हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाँ सही कहता है। चलते हैं हवेली के अंदर। आओ चलते हैं। और कहाँ भाग कर जाओगे कमाल सिंह, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, दोनों को एक साथ मारूंगा। देखा दोस्त, ये इधर देखो गिरगिट। सही कहता है, ये गिरगिट है, पुलिस के नाम पे गलत तेरा दाग, ये डाकू भी बना था और पुलिस भी। गिरगिट की तरीके मैं कह रहा था ये लोग इधर भी मिले हैं, खाते हिंदुस्तान की और पचाते पाकिस्तान की। अरे ऐसा नहीं करते तो साले तुम्हारी मौत कैसे होती। कमाल सिंह और विजय सिंह, हम तेरा भाषण सुनने नहीं आ रहे आए हैं, तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ। ऐसे नहीं कहते तुम्हारी मौत नहीं होती, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन हरामजादों को साथ में गोली मारूंगा। नंबर एक, नंबर दो, चंदन हमें गोली मत मार, खड़ा हो जा, मैं प्रतापगढ़ छोड़कर हम दूसरे जिला चले जाएंगे। नहीं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर मेरा वादा पूर्ण हुआ, अब मेरे दिल को ठंडक मिली है। तुम्हारे दिल को आप मुझे शौक से गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम तुम्हें अदालत ले चलते हैं और अदालत ले चल करके हम अपना भी फर्ज पूरा करेंगे। ठीक है भैया, कानून से गुजारिश करेंगे कि तुम्हें सजा बहुत सी कम मिले। ठीक है, इन्हें बहुत सजा कम मिलेगी। चलो चलो ठीक है, हाथों में हथकड़ी पहनाओ और इन्हें जेल ले चलो। हथकड़ी पहना दो, हथकड़ी लगाओ। मुझे इसी जगह से हमारे पार्टी का तमाशा, चंदन सिंह छीन लो रोटी और चंदन सिंह डाकू समाप्त होता है। अब आप लोग कोलगेर दचबंधन द्वारा गीत वाले का प्रोग्राम सुने। जय हिंद जय हिंद जय भारत। अरे तिरंगा।